नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार बिहार के किसान अपनी खेती को बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों के उपकरणों का तथा नए नए केमिकल केमिकलों का यूज करते हैं इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी खेती में बढ़ोतरी आए वहीं सुपौल के कुछ किसान हमसे मिले हमारे संवाददाता प्रेम शंकर से मिले और उन्होंने बताया कि नवदीप आर्गोटेक और मार्केटिंग की ओर से जो आ, सामान आते हैं जो सामग्री है उसको यूज़ करके उसको इस्तेमाल करके वो अपनी खेती का पैदावार ज़्यादा बढ़ाते हैं आइए जानते हैं क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता शंकर से नवदीप एग्रोटेक एंड मार्केटिंग के द्वारा अभी डेमो किया जा रहा है जैविक खेती के बारे में किसानों को ये बताया जा रहा है कि जैविक खेती कैसे किया जाता है और उसके बारे में अभी देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे किसान मौजूद हैं और उनको डेमो करके दिखाया जा रहा है कि ये नवदिक एग्रोटेक एंड मार्केटिंग के द्वारा जो मतलब जो दवा दिया जा रहा है उनके बारे में उनको समझाया जा रहा है तो आइए हम आपको ले चलते हैं जोनल अधिकारी सुनील कुमार के पास मकई के खेती में हम लोग अभी डेमो करवा रहे हैं और इसमें पता चल रहा है कि मकई में जो है तरह तरह का बीमारी आ रहा है और किसान को ये पता नहीं है इसमें हमें कौन सी दवा देनी चाहिए ठीक है जो कि हमारे फसल को बहुत अच्छा से अच्छा पैदावार लाने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ के लाए हैं दूसरा है मेरा एग्रो एट्टी प्लस है यानी हमारे यहाँ एक सौ बारह प्रोडक्ट हैं ठीक है सर और हमारे यहाँ ये एग्रो एट्टी जो है सर इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है और हाँ किसान को अभी मान के चलिए एक बोरा यूरिया में हम लोग क्या करते हैं एक बोरा यूरिया हम 330 में लाते हैं या 300 में लाते हैं लेकिन सर हम अगर एक बोरा यूरिया को अगर एक बीघा में डालेंगे लेकिन मेरा एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो कि एम रेट दो सौ है और वो हम सर डेढ़ बीघा में डालेंगे तो बताइए किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा कि नहीं होगा और किसान को सर यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या आपके इस में केले की दवा है या सभी फसलों की दवा हमारे यहाँ सर टोटल किसान से संबंधित टोटल प्रोडक्ट है सर मेरे यहाँ और हमारे यहाँ सर एक अभी हम लोग लंच करेंगे चूँकि अभी धान का सीजन आ रहा है काला धान हम लगवाएंगे किसान को और हमारा टारगेट है कोसी जोन में कम से कम 100 एक एकड़ में हम लोग धान लगवाएंगे अब चलते हैं हम यहाँ कुछ किसानों से भी उनकी समस्या के बारे में रूबरू होते हैं आइए आपका क्या नाम हुआ बाबा रामदेव मेहता अच्छा रामदेव मेहता बाबा बताइए आप लोगों का जो फसल होता है वो किस तरह से होता है फसल में क्या गड़बड़ी होता है झुलस जाता है कीड़ा लग जाता है कहीं, -कही जाता। कहीं कहीं जो है जो सूख जाता है खत्म हो जाता है फसल फसल अच्छा जे? नहीं होता आपका नाम क्या हुआ बाबा रामदेव मेहता तो इस तरीके से हमारे संवाददाता को उन्होंने बताया कि वो उस कंपनी का जो पार नवदीप आर्गोटेक कंपनी है उसका वो केमिकल यूज़ करके अपने खेतों में पैदावार बढ़ाते हैं और हम लोगों तक अच्छी फसल पहुंचाते हैं ताकि हम लोग अच्छा खाना खा सकें और खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़ धन्यवाद